Hi everyone, this is Ranjit. Welcome on my YouTube channel, Sun Isles. So, आज अपन next category लेके आए हैं तोड़े आस्ते जो है sitting down. इस दे सारे questions answer आप इस video दे विच discuss करांगे. ये video दे विच तोड़े सारे doubt clear कीते जानगे. बहुत सारे students से दान देने कि उन्हें इस दे questions दी पंजाबी नहीं पता लग रही, जैस दे answers दे idea नहीं आ रहे. So, अपन सब कुछ discuss करने जा रहे हैं इस video दे विच. बट इस तो पहला साडे चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ ताकि आने वाले सारे इंटरव्यू क्वेश्चन दियाँ वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन. इस तो इलावा असी आपदे चैनल ते सारे क्यू कार्ड 1 to 87 क्यू कार्ड अपलोड कर दिते ने. सो तुसी उन्हां दे आंसर्स साडे चैनल दी प्लेलिस्ट दे विच जाके चैक कर सकदे हो, आपदी एग्जाम दी प्रैपरेशन वधिया तरीके नाल कर सकदे हो. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग दी टाइम लैट्स स्टार्ट सिटिंग डाउन कैटेगरी. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज योर फेवरेट प्लेस टू सिट. तुहाडी मनपसंद दी जगह बैठन दे लई किथे है. सो इस दे आंसर दे विच बोल सकते हैं, व्हेन आई एम एट होम दैट टाइम माय फेवरेट प्लेस टू सिट इज माय ओन रूम. जदों मैं आपदे घर विच हुंदा हां तां उस समय मेरी मनपसंद दी जगह बैठन दे लई मेरा आपदा कमरा है. If I talk about outside, I like sitting in the park, which is located next to my door. अगर मैं बाहर दी गल करदा हां तां उस समय मेरी मनपसंद दी जगह बैठन दे लई पार्क है जिहड़ा कि मेरे घर तों बिल्कुल नेड़े है. Because I am a nature lover person and due to a host of trees and flowers, I feel close to nature at that place. क्योंकि मैं एक नेचर नूं प्यार करन वाला परसन हाँ, सो इस करके बहुत सारे दरख्त अते फ्लावर होने की वजह करके मैं बहुत नेचर दे नेड़े फील करता हाँ उस जगह दे. मोर ओवर इट इज़ वेरी पीसफुल प्लेस टू गैट रिलैक्सेशन. इस तो इलावा ये जड़ी जगह है वो बहुत ही पीसफुल है, शांतमई है रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए. सैकेंड क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज सिट डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम. की तुसी हमेशा लंबा समा बैठते हो. आंसर, नो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. नहीं, मैं एहो जा इंसान नहीं हाँ, एहो जा पर्सन नहीं हाँ जो जिस कोल एक लगातार बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है. ओइंग टू लेस पेशेंस आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. पेशेंस की कमी के कारण मैं एक जगह पर लंबा समा नहीं बैठ सकता. एक्चुअली इट इज नॉट अ हेल्दी टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम, सो आई वॉक समटाइम्स ड्यूरिंग सिटिंग सिचुएशंस. एक्चुअल दे विच ए सेहत लई वधिया नहीं है लंबा समा बैठे रहना, इस करके मैं कुछ समा सिटिंग सिचुएशंस दे विच तुरना पसंद करता हाँ. हाउ एवर वाइल ट्रैवलिंग और गिविंग एग्जाम I have to sit continuously for many hours. पर यात्रा दे दौरान जां जदों मैं एग्जाम दिंदा हां उदों मैनू लगातार कुछ घंटे बैठना पैंदा है. Do you feel sleeping when you are sitting down? की तुसी इवें फील करदे हो कि तुहानू नींद आ रही है जदों तुसी लंबा समा बैठे रहिंदे हो? Answer, well it depends on the situation. एक्चुअली ये किसी सिचुएशन पर डिपेंड करता. वैन आई सिट ऑन कंफर्टेबल चेयर और बैड फॉर स्टडी एंड वाइल ट्रैवलिंग आई फील स्लीपी. जदों मैं एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर या बैड पर स्टडी के लिए बैठता हाँ जहाँ मैं यात्रा के दौरान स्लीपी फील करता हाँ. हाउ एवर इन अदर कंडीशनस आई फील एक्टिव, बट जदों मैं दूसरिया कंडीशन च हुंदा हाँ उदों मैं स्लीपी फील नहीं करता हाँ, एक्टिव फील करता हाँ. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन आई एम टू मच टायर्ड आई फील स्लीपी इन सिटिंग पोजिशन. इस तो इलावा जदों मैं किसी बहुत थक्या हुआ हूँ हाँ जदों उदों भी मैं ओह जी सिटिंग पोजिशन दे विच जिहड़ा हैगा इदां फील करदा जिवें मैनूं नींद आ रही हुंदी है जां मैं स्लीपी फील करदा मैनूं नींद आउंदी उस समय. फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन यू वर अ किड Did you usually sit on the floor? जदों तुसी बच्चे सी की तुसी उदों हमेशा फर्श ते बैठदे सी? सो आपां इस दे आंसर विच बोल सकते हैं. एक्चुअली इस दे आंसर दे विच बड़ी ध्यान देने वाली गल है, ये जो क्वेश्चन आपां नूं पास्ट टेंस दे विच पुछया गया,
सो आपां इसका आंसर भी पास्ट टेंस दे विच ही सुनावांगे, यानी कि वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगा के सुनावांगे। बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट वाले क्वेश्चंस दे आंसर भी प्रेजेंट टेंस च सुना देंगे, जिदे करके उन्हां दे बैंड स्कोर है जिहड़े बड़े घट आउंदे आ। सो इस गल दा आपां बड़ा ध्यान रखना कि इसका आंसर पास्ट टेंस दे विच आपां बोलांगे। आंसर होया है Yes, definitely. When I was a kid, I often sat on the floor as that time I did not able to climb on the bed or chair and my parents thought floor was much safer place for me. हाँ जी बिल्कुल, मैं जो बच्चा सी उदो हमेशा फर्श ते बैठता सी क्योंकि उस समय मैं एबल ही नहीं सी कि मैं किसी बैड जां चेयर ते चढ़ सकां। अते मेरे जो मापे आ वह भी यही सोचते सी कि जिहड़ी फर्श आ वह मेरे लिए ज़्यादा सेफ है बैठन दे लई। सो बिकॉज आई कड मूव एनी साइड विदाउट फीयर ऑफ फॉल डाउन, क्योंकि मैं जिहड़ा वह डर फील नहीं करता सीगा, मैं किसी भी जगह च खेड सकता सी, मूव कर सकता सी, तुर फिर कर सकता सी। I remember I played with toys all the day by sitting on the floor. So मैनू याद आ चंगी तरह मैं बचपन दे विच आपदे खड़ौणियां नाल खेडदा सी, सारा दिन उदों फर्श ते बैठ के ही खेडदा सी। हांजी गाइज, अगर तुहानू ये साडी वीडियो पसंद आई तां इस नू लाइक कमेंट शेयर करना ना भुल्यो एंड साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ ताकि तुहानू हर अपडेट मिलदी रहे। थैंक यू।